सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यार आई थिंक सो ना कि भाई आपको पता होगा कि यार मैंने और मोहित भाई मिलकर यार एक कोलैबोरेशन वीडियो डाली थी कुछ ही दिन पहले, जिसमें यार हमने आपको एक गेमिंग चैनल का लोगो बनाना सिखाया था। ठीक है, अब यार उस वीडियो के बाद ना अगर वो वीडियो नहीं देखी भाई पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि भाई वो ये वीडियो ना उस वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। अब भाई देखो हुआ क्या ना भाई कि वो वीडियो के बाद ना बहुत ज्यादा लोग यार मेरे को इंस्टा पर डीएम कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, स्टोरी में टैग कर रहे थे कि भाई इसी लोगों से रिलेटेड यार इसी लोगों से मिलता जुलता एक बैनर ट्यूटोरियल भी लेके आओ, क्योंकि भाई हम अगर ये लोगो यूज करते हैं एंड दूसरा कोई बैनर यूज करते हैं भाई बहुत ही ऑड लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। सो गाइस हियर आई एम विद अ बैनर ट्यूटोरियल। एंड यार आज की वीडियो ना एक कोलैबोरेशन वीडियो है विद टाइटन जीएफएक्स भाई। टाइटन जीएफएक्स भाई का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यार मैंने देखा है भाई कुछ दिनों से यार जो यूट्यूब का ऐप है भाई उसमें ग्लिच हो रहा है कि भाई जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो क्लिक नहीं होती है, उसमें कुछ एरर आ जाता है। तो यार डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उस पर भी देख सकते हो, या फिर अगर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा उनका लिंक, तो तुम वहां से भी चेकआउट कर सकते हो उनके चैनल को। एंड यार उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एंड गाइस मैं को फिर से बोला भाई, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है भाई लोगो वाली, तो उस वीडियो को देख लेना भाई, क्योंकि इस वीडियो में जो बहुत सारे स्टेप्स है भाई वो उसी वीडियो से रिलेटेड है, तो वो तुम नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। बाकी भाई ऐसा बैनर बनाने के लिए यार आपको हमारी पैक की जरूरत पड़ने वाली है, पैक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अगर पैक डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस आप वीडियो को जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एंड यार एट लास्ट तुम ऐसा बैनर एंड इजिली क्रिएट कर सकते हो। सो यार चले चलते फोन के स्क्रीन पे एंड यार हम आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझा देते। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि भाई हमें अपना Adobe Photoshop टच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड यार एक 1920x1080 का भाई एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट यार आई प्रेफर कि तुम 2560x1440 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। एंड क्रिएट करने के बाद पैक के अंदर भाई आपको एक चीज़ मिल जाएगी, आपको यहाँ पे उसे इम्पोर्ट कर लेना भाई, आप बस एक बार वेट कर लेना। एंड यार मैं फिर से बोला भाई, अगर आपने लोगो वाली वीडियो नहीं देख रखी तो भाई उसको पहले देख लो, नहीं तो तुमको यार कुछ भी सही से समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अब यार कुछ आपको इस तरह का यार वायलेट कलर का एक चीज़ देखने को मिल जाएगी पैक के अंदर, आपको इसे मतलब इम्पोर्ट कर लेना एंड से कुछ इस तरह से सेट करके रख दो, ठीक है। अभी सेट कर दिया, सेट करने में आपको जाना फोटो लिया फोटो लाइब्रेरी के अंदर। एंड अब कुछ इस तरह का ना एक बॉर्डर देखने को मिलेगा, एक टेम्पलेट देखने को मिलेगा आपको मतलब कि बैनर से नॉल का, आपको इसे इम्पोर्ट करना है। एंड एक सबसे पीछे लेयर लेनी है जिसकी कलर आपको कर देनी है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर कर दिया। एंड अब ये जो लेयर है ना भाई मतलब कि ऊपर वायलेट वाली, इसके अंदर जाओ टिंट के अंदर जाओ एंड रेड कलर का टिंट डाल दो एंड लुमिनोसिटी कर दो भाई 0%, ठीक है। तो भाई देखो यार भाई ने यहाँ पे एक ही बार इसको मतलब कि रखा है एंड से मतलब कि थोड़ी ओपेसिटी को कर दिया थोड़ा सा रिड्यूस, ठीक है, जिसके कारण आपको जो बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो भाई कि आप ही जो मतलब कि रेड कलर की हमारी लेयर बनी है इसे एक दो बार डुप्लीकेट करके लेयर नॉच ऐड करके देख लो भाई, जिससे आपको एक अच्छा सा भाई बैकग्राउंड में रेड कलर का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये करने के बाद हमें यार इन बॉर्डर्स को इम्पोर्ट कर लेना है, ये बॉर्डर से मतलब कि ब्लू कलर की मिलती है आपको बाय डिफॉल्ट। एंड आपको चाहना टिंट के अंदर एंड लुमिनोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो एंड रेड कलर का आपको टिंट रहेगा। एंड उसके बाद कुछ इस तरह का आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको पैक के अंदर ना भाई एक सब कॉर्ड मिल जाएगी, पैक के अंदर नहीं मिलेगी भाई, वो तुम क्या खुद से बनानी पड़ेगी, मतलब कि हमने जो लोगों का ट्यूटोरियल दिया था मोहित भाई ने उसके अंदर तुम ये क्रिएट कर सकते हो। एंड वॉइस ओवर के लिए सॉरी बट यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार, अभी सीढ़ियों से चलकर आना बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, ठीक है। ये लोगो आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करके बीच में सेट कर लेना है ठीक से। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ यार वॉइस ओवर के बहुत ही बड़ा सॉरी वॉइस ओवर अगर बुरा हो रहा है तो। ऐसे सेट करने के बाद आपको इसे पिक्सल नज भी करके देख लो यार, जैसे भी सही लग रहा है वैसे इसको सेट कर दो, बट हाँ यार एक चीज़ है कि बीच में आपका सेटल्ड रहे, ठीक है, कहीं लेफ्ट राइट ना रहे भाई ज़्यादा, नहीं तो यार बहुत अजीब लगेगा भाई जब से कोई मतलब कि आपके चैनल को ओपन करेगा। एंड ये करने के बाद हमें यार जाना अपने पैक के अंदर, एंड आपको पैक के अंदर एक इंस्टाग्राम का लोगो मिलेगा एंड आपको एक यूट्यूब का लोगो मिलेगा, ठीक है। आपके सोशल साइट करने के लिए फर्स्ट से हो आपको इन दोनों को लोगों को मतलब कि इम्पोर्ट कर लेना है। एंड आपको ना एक के ऊपर एक रख कर देख लो भाई कि दोनों के साइज सेम है या नहीं है भाई, अगर दोनों का साइज सेम नहीं है तो भाई सेम कर लो, नहीं तो बहुत अजीब लगने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। ये करने के बाद दोनों को मर्ज कर दो एंड मर्ज करके सिलेक्ट पिक्सल्स करो, फिल एंड स्ट्रोक पर जाओ एंड आपको रेड कलर का फिल डाल दो, ठीक है, रेड कलर का फिल कर दिया। एंड रेड को यार तो तुम यहाँ से पिक भी कर सकते हो एंड इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर दो भाई समथिंग 85%, जो कि सही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये करने के बाद हमें इन दोनों को सेपरेट कर लेना है, एक को मतलब ऐसे सिलेक्शन करो एंड उसे कर दो लेयर फ्रॉम सिलेक्शन एंड नीचे से कर दो क्लियर, ठीक है, जिससे दोनों सेपरेट हो जाएंगे एकदम से। अब यार ये करने के बाद ना आपको यार दोनों को ट्रांसफॉर्म करके ना एकदम ही मतलब कि ऑपोजिट ऑपोजिट साइड रख देना, एक को रखना है लेफ्ट पे एंड एक को रखना है राइट पे, ठीक है। लाइक इन्होंने यार जो यूट्यूब का है ना उसे राइट पर रख दिया एंड जो हमारा इंस्टा का लोगो है उसे कर देंगे लेफ्ट पे, ठीक है। तब को इनको इतना छोटा कर देना भाई, आपको भी देखने में यार बहुत छोटे लग रहे होंगे, बट हाँ यार जब यार कोई मतलब कि आपकी चैनल को खोल कर देखेगा मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप पे या फिर मतलब कि टीवी पर क्यों ना देखे, फिर वो एकदम ही परफेक्ट साइज दिखने वाले, ठीक है। आपके सेम मतलब कि इंस्टा लोगों के साथ करना है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई आपके ना दोनों के लोगों ना मतलब कि एक छोटा दिखेगा एक बड़ा दिखेगा, तो भाई आपको ना एक के ऊपर एक रख कर देख लेना एंड दोनों का साइज को मैच करके देख लेना भाई, ठीक है। एंड मैच कर लिया एंड दोनों पिक्सल नज एनेबल करना है एंड इसको ऐसे लेकर आ जाना, ठीक है।
हैंड से लेकर आ जाओ, बस पिक्सल ने इनेबल कर लेना, जिससे भाई तुम्हारा जो भी मतलब कि बड़ा छोटा ना हो जाए फिर से, नहीं तो यार ट्रांसफॉर्म करते टाइम भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है। एंड सॉरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो उसके लिए भाई बहुत ही बड़ा सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता यार, बहुत ही गलत टाइम में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब तुम दोनों को मतलब कि मर्ज कर दो एंड फिर डुप्लीकेट करके डिनर डॉज ऐड कर दो। एंड डिनर डॉज ऐड करने में उसमें गॉसियन ब्लर ऐड कर दो, ठीक है। गॉसियन ब्लर की जो मतलब कि अमाउंट रहेगी, जो ब्लर की इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी समथिंग लाइक 30, ठीक है 30% कर दो। एंड ओपेसिटी को समथिंग लाइक 90% कर दो, ठीक है, जिससे हमें कुछ ऐसा ग्लो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा हमारे सोशल्स पर, ठीक है। ये करने के बाद हमें जाना है फोटो लिए फोटो लाइब्रेरी के अंदर। एंड देन आपको पैक के अंदर कुछ और भी चीज़ें मिल जाएगी या समथिंग लाइक, ये पैक के अंदर नहीं मिलेगा भाई, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। लाइक इन्होंने यूनिसेंस फॉन्ट का यूज़ किया, आप चाहे तो भाई कोई और फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हो अपने सोशल्स को लिखने के लिए। यार आई विल मेक श्योर कि मैं पैक के अंदर ना कुछ यार 5-6 फॉन्ट्स दे दूंगा यार, जिससे तुम अपने सोशल्स को बड़ी आराम से लिख सकते हो यार। हाँ भाई पिक्सल ऐप का यूज़ करके फॉर से। एंड यार दोनों को सेपरेट कलर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन एंड क्लियर करके, ठीक है। ये सेपरेशन हो जाने के बाद यार फिर से तुमको ना दोनों को यार मतलब जो YouTube का नेम है उसको YouTube के पास रख दो, जो तुम्हारा इंस्टा का नेम है उसको इंस्टा के लोगों के पास रख दो। बस हाँ यार तुम साइज सही से देख लेना यार, तुम्हारे लोगों के हिसाब से मैच करता है वो बस साइज हो। एंड देखो इस तरह से आपको यहाँ पे प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। ये प्लेसमेंट कर दिया एंड अब तुमको अपने यूट्यूब के नेम पर जाना है एंड उसे भी तुमको उसके ऊपर रख देना है। एंड आपको सेम साइज़ का दोनों को क्रिएट कर लेना, ठीक है। लाइक अगर एक का साइज़ बड़ा रहेगा एक का साइज़ छोटा रहेगा फिर बहुत अजीब लगेगा और बहुत ऑड लगेगा। ये तुम कर लो एंड तुम इस तरह से इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ। तुम चाहो तो पिक्सल नाच वाले टेक्निक से भी ला सकते हो, फिर तुम ऐसे भी ला सकते हो। एंड ये लाने के बाद इसको कुछ आप इस तरह से सेट करके यहाँ पर रख दो, ठीक है। ये रख दिया भाई एंड ये रखने के बाद आपको कर लेना इसे डुप्लीकेट, मतलब पहले मर्ज कर लो भाई, मर्ज डाउन कर दिया। एंड अब इसे कर लो एक बार डुप्लीकेट, कुछ ऐसा देखने को लगेगा, ठीक है। इसके हम सिलेक्ट पिक्सल्स करेंगे एंड इसे कर देंगे अब हम लोग फिल एंड स्ट्रोक पर जाएंगे एंड ठीक है। फिल नहीं करना है भाई, ग्रेडियंट करना है। ग्रेडियंट डाल दो कुछ आप इस तरह का, देख लो भाई एक मतलब बीच में वाइट रहेगा एंड एक तरफ हमारा ग्रे कलर का रहेगा, ठीक है। ये ग्रेडियंट डाल दिया, ग्रेडियंट डालने के बाद हमें इसे कर देना डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर देना लीना डॉज ऐड एंड लीना डॉज ऐड करके आपसे कर दो गॉसियन ब्लर, ठीक है। गॉसियन ब्लर की जो मतलब कि ब्लर की अमाउंट रहेगी वो रहेगी समथिंग लाइक 50% कर दो या 51% सही रहेगा। एंड ओपेसिटी कर दो भाई समथिंग लाइक 50, ठीक है। दोनों को 50-50 कर दो एंड कुछ ऐसा देखने लगेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है भाई, ठीक है। एंड ये कहीं मतलब आप हल्की फुल्की चीज़ें कर सकते हो लाइक समथिंग लाइक लोगों बड़ा छोटा करना है तो कर लो। एंड जो मैंने बैकग्राउंड टेक्निक कही थी भाई मतलब कि जो बैकग्राउंड हमारा मतलब कि रेड हमने भाई ने डाला था, रेड उन्होंने भाई बहुत ही कम डाला था, तो तुम क्या कर सकते हो भाई कि तुम जो रेड कलर की लेयर थी उसे डुप्लीकेट कर दो, लीना डॉज ऐड कर दो, फिर डुप्लीकेट कर फिर लीना डॉज ऐड कर दो, जिससे हमें एक अच्छा खासा रेड टिंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। वंस इट डन सेव कर लो। एंड यार सेव करने के बाद ना तुमको लाइट रूम ओपन करना है। लाइट रूम ओपन करने के बाद यार जैसे तुमको मोहित भाई ने लोगों वाले वीडियो में सिखाया था भाई कलर करेक्शन, वैसा कलर करेक्शन कर लेना है बेसिक सा। उसके लिए तुम लोगों वाले वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड जो हमने मतलब कि बेसिक सा लोगो लगाया था बीच में मतलब कि प्राइम के पे लिखा हुआ जो लोगो था बैनर के एकदम सेंटर में, वो भी यार मोहित भाई का ट्यूटोरियल देख के तुम समझ जाओगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मतलब कि हमने जो लोगो का ट्यूटोरियल डाला था इसका सेम का। एंड यार तुम अगर दोनों ट्यूटोरियल को एकदम सही से देख लेते ना भाई तो मेरे एकदम ही इजीली अपने गेमिंग चैनल के लिए एक लोगो एंड एक बैनर एकदम ही इजीली क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक रिवैम्प क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत कूल लग रहा है। एंड हाँ भाई बहुत ही यूनिक है अभी यार, मतलब बहुत ही कम लोग के पास अगर तुम ऐसे देखने जाओ तो बहुत ही कम लोग अभी ऐसा यूज़ करें। सो या एक बार ट्राई करो, यूज़ करो भाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओपी है, बहुत डोप है। तो एंड हाँ भाई और एक चीज़ की भी, तुम जाकर टाइटन भाई को सब्सक्राइब कर दो, टाइटन भाई का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ भाई तुम जाकर ना मोहित भाई को भी सब्सक्राइब कर दो यार, उन्होंने इतना अच्छा लोगों का ट्यूटोरियल हमें दिया, उनकी क्रिएशन है, तो भाई जाकर उनको सब्सक्राइब कर देना, टाइटन भाई को भी कर देना। एंड हो सके तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो भाई, हम बहुत ही ज़्यादा करीब है भाई 5000 सब्सक्राइबर्स के। बाकी पैक लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ A to Z समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई क्वालिटी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो तुम कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी आपको और चीज़ मेरे को पूछनी थी भाई, क्या मैं सोच रहा था यार PSCC का एक बेसिक का ट्यूटोरियल डालूँ समथिंग लाइक कि भाई कैसे करके PSCC में इनर ग्लो टेक्स्ट डाल सकते हो, कैसे करके PSCC में आ रहा आप इरेगुलर शेप्स को ट्रेस कर सकते हो, मतलब कि जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो भाई तुम ऐसे में ना कमेंट करके मेरे को बता सकते हो भाई कि आपको यार किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए भाई जो कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहेगा भाई, जिससे बिगिनर्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिगिनर्स को, ठीक है, PSCC ऑफ कोर्स। तो तुम कमेंट कर सकते हो एंड अगर मेरे को अच्छा लगता है भाई मतलब कि वो टॉपिक तो मैं उसके ऊपर शॉर्टली वीडियो बनाऊंगा। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, लेट्स मीट अगर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ, पीस आउट।